नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अनेक आंदोलनों, बलिदानों और संघर्षों के पश्चात आज से 75 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली। इन इट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज सेवरल अचीवमेंट टू इट्स क्रेडिट। इट हैज बिल्ट अ मॉडर्न इकोनॉमी, सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी, लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, हैज बिकम अ स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड डेवलप्ड अ रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की जीडीपी यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 22.6% थी, ऑलमोस्ट उस समय की यूरोप की जीडीपी के बराबर। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर जीडीपी वाज लेफ्ट मेयरली एट 3.8%। बहुत मुश्किल था उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को चलाना और संभालना, लेकिन हमने कर दिखाया। अंग्रेजों से जब हमें आज़ादी मिली तो मात्र 12% भारतीय पढ़े लिखे थे, और आज मोर देन 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लिटरेट। हमने इंडिया की 75 साल के जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमने हर 25 साल के अंतर्गत हुई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को जानेंगे। तो ये रहा भारत के 75 वर्षों का सफर। ये वो दृश्य है जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, धर्म और मजहब के नाम पर। इतने दंगे हुए कि 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई और करोड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए। आजाद भारत और आजाद पाकिस्तान की पहली जंग कश्मीर को लेकर हुई, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहा गया 1948। इट एंडेड विद महाराजा हरि सिंह साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, उसी दिन से हर एडल्ट को वोट करने का अधिकार मिल गया। वहीं अमेरिका ने आज़ादी के 150 साल बाद अपने नागरिकों को राइट टू वोट का अधिकार दिया। 1951 में रेलवेज को नेशनलाइज किया और 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, और आज भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा नेटवर्क है। लगभग 1,19,660 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं और 7,216 स्टेशन हैं। आज़ाद भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ और कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की बाय विनिंग 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। जवाहरलाल नेहरू बने इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसी के साथ 1951 में भारत ने पहली बार एशियन गेम्स को नई दिल्ली में होस्ट किया। वहीं 1956 में इंडिया ने एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन किया और बनाया, जिसका नाम दिया गया अप्सरा। महबूब खान की मदर इंडिया पहली इंडियन मूवी बनी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई फॉर द बेस्ट फॉरेन फिल्म इन 1958। कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोशल डेवलपमेंट के मामले में 2 रिवोल्यूशनरी कानून पारित किए, फर्स्ट स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड सेकेंड हिंदू कोड बिल ऑफ 1956। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग की मदद से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ विद डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। 1962 का इंडो चाइना वार को आप कैसे भूल सकते हैं, जब चाइनीज आर्मी ने मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था और सरहद पर जंग छिड़ गई थी, जिसे अक्साई चिन टेरिटरी के नाम से जाना गया। 20 जुलाई 1969, इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंक्स को राष्ट्रीयकरण घोषित कर दिया, यानी कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। द मेन एम ऑफ द मूव वॉज टू एक्सेलरेट बैंक लैंडिंग टू एग्रीकल्चर। 1970 में मुरारजी देसाई की सरकार में वाइट रेवोल्यूशन आया, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, पायनियर्ड बाई वर्गीज कुरियन। इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंदिरा गांधी सरकार का ये सबसे ऐतिहासिक जीत थी कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाया फ्रॉम ईस्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। 1972 का शिमला अग्रीमेंट तो आपको याद ही होगा, जहां इंडिया पाकिस्तान ने पैक्ट किया टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशन। आइए अब जानते हैं इंडिया का अगला 25 साल, जो कि 1973 से 1995 में क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स घटे।
1973 में केशवानंदा भारती एक लैंडमार्क जजमेंट सामने बनकर आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात की। और 1973 का चिपको आंदोलन हम कैसे भूल सकते हैं, जो उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ और पूरे भारत को वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब सिखा गया। इन 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, और इससे भारत पांचवा देश बन गया था उस वक्त जिन्हें न्यूक्लियर पावर नेशन कहा गया। 1974 का जेपी मूवमेंट तो याद ही होगा आपको। बिहार के कुछ स्टूडेंट्स मिलकर इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिए, जिसे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने लीड किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट उसी समय फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ मिसयूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी फॉर इलेक्शन पर्पसेस, और इंदिरा गांधी का निर्वाचन कार्ड रद्द कर दिया गया। बस होना क्या था, वही हुआ जो हम सब ने नहीं सोचा था। इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएं। वहीं 1975 में साइंस एंड टेक की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। इंडिया की सबसे पहली स्पेस सैटेलाइट डिजाइन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया आर्यभट्ट। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। ये वही ग्रुप था जिसने इमरजेंसी का जमकर विरोध किया। देन इन 1979 मंडल कमीशन वॉज सेटअप टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। और 1983 का वर्ल्ड कप हम कैसे भूल सकते हैं, जब कपिल देव और उनकी टीम ने भारत को क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप दिलाया वेस्ट इंडीज को हरा के। 1984 में इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा इन टू स्पेस इन ए जॉइंट मिशन विद सोवियत यूनियन। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये कोड नेम था इंडियन मिलिट्री टू रिमूव मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर। और फिर जो सोचा था वही हुआ, 1984 का एंटी सिख ब्लडबाथ। इंदिरा गांधी का मर्डर अपने बॉडीगार्ड द्वारा होने के बाद सिख कम्युनिटी पर लगातार हमले हुए, लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी तो याद ही होगा। इट वॉज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर, इट वॉज अ गैस लीक इंसिडेंट ऑन द नाइट ऑफ डिसम्बर 3rd एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल, which killed more than 3,000 people and left thousands with disabilities. Supreme Court ka ek bahut hi shandar judgment aaya in 1985 with the famous Shah Bano case. The Supreme Court had upheld the right to alimony in the case. Lekin Rajiv Gandhi ji ne ek controversial act pass karke Supreme Court ke is verdict par pani fer diya, aur wo act tha the Muslim Women Protection on Divorce Act 1986. और 1986 का बोफोर स्कैंडल तो याद ही होगा। मेजर करप्शन केस वर इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ होविट्ज़र गन्स बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन एंड इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1989 इलेक्शंस। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया, विच इंक्रीज्ड द कोटा इन रिजर्वेशन फॉर लो कास्ट हिंदूज, जिसकी वजह से देश भर में सरकार के खिलाफ नारे लगे। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला बोला, तब भारत सरकार ऑपरेशन एयरलिफ्ट की मदद से लगभग 1,75,000 इंडियंस को कुवैत से इंडिया एयरलिफ्ट किया, और एयर इंडिया में इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही। 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन इकोनॉमी को ओपन करना और उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए। दिस लेड द डोर्स ऑफ फ्री ट्रेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑन डिसम्बर 6, 1992 द डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद एट अयोध्या वॉज डीमोलिश्ड बाय हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप, लीडिंग टू राइट्स अक्रॉस द कंट्री। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। और 1992 का सिक्योरिटी स्कैम, वो तो सबको याद होगा। It's one of the biggest scams in the history of India's stock market and was perpetrated by a stockbroker named Harshad Mehta, jis pe ek web series aur ek movie bhi aa chuki hai. The 1993 Bombay blast was a series of bombings coordinated by gangster Dawood Ibrahim. It resulted over 250 deaths. Aisa kaha jata hai ye blast Babri Masjid pe hue hamle ka badla tha.
1998 में वाजपेयी गवर्नमेंट के तहत इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट्स एट पोखरण राजस्थान अंडर द कोड नेम्ड कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति और न्यूक्लियर टेस्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिल क्लिंटन एंड जापान हैड टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन एज पर 1994 न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रिवेंशन एक्ट और दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। 1999 का वो मशहूर कारगिल वॉर जहां इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय आफ्टर पाकिस्तानी फोर्सेस इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड एलओसी। दिस वॉर एंडेड इन जुलाई विथ इंडिया सक्सेसफुली रिकैप्चरिंग टाइगर हिल। और 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया कनेक्टिंग 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोधरा कांड कैसे हम भूल सकते हैं। फरवरी 27, 2002 में ट्रिगर्ड वन ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रायट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लीविंग 1000 डेड्स, 200 मिसिंग एंड 3000 इंजर्ड। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2005, थ्रोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओपन टू स्क्रूटनी एंड हेल्पिंग पीपल टू एक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट, which is the largest work guaranteed program in the world, was enacted in 2005 with the primary objective of guaranteeing 100 days of wages employment per year to rural household. 2004 ka wo tsunami ka drishya hum kaise bhool sakte hain, triggered by a massive undersea earthquake in the Indian Ocean, killed an estimated of 1000 people in India. Kuch raj jo mukhya prabhavit the wo Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Andaman. India successfully launched Chandrayaan in October 2008 to explore the moon. One of the greatest achievement of Chandrayaan was the discovery of water molecules in the lunar soil. Abhinav Bindra won the gold medal in the 10-meter air rifle event at 2008 Olympics in Beijing. He became the first Indian to win an Olympic gold medal at the Olympic Games. 2008 ka Mumbai attack ek ghaav ban kar reh gaya hum sab ke liye. Pakistan based terror outfit Lashkar-e-Tayyaba इस अटैक को अंजाम दिया, लगभग 160 लोग मारे गए। शिक्षा का अधिकार, पार्लियामेंट पास द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मेकिंग एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ब्रिज्ड द गैप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। इंडिया ने 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया दिल्ली में, which made noise for the corruption cases that followed. For the first time in the history of games, India won over 100 medals and stood second after Australia. Aur 2011 mein Mahendra Singh Dhoni ke captaincy ne India ko dusra World Cup diya, Sri Lanka ko hara kar. Spearheaded by activist Anna Hazare, India Against Corruption movement that began in 2011 was a series of protests held across India for a Jan Lokpal bill to graft in politics. The bill was financially passed in Parliament in 2013. The National Food Security Act of 2013, also called Right to Food Act, which aims to provide subsidized food grains to approximately 2/3 of the India's 1.2 billion people, along with midday meal, integrated child development schemes were introduced. 5 November 2003 ko ISRO successfully launched Mars Orbiter mission to probe Mars. It is the first Asian nation to reach Mars orbit and the first nation in the world to do so in its first attempt. We are proud to be an Indian. In March 2014, the World Health Organization certified the Southeast Asian region, which includes India, a polio-free. GST introduced hua 2017 July mein. It is the resultant tax after subsuming major central and state taxes. The Supreme Court struck down the practice of triple talaq or talaq-e-biddat, in which Muslim men divorce their wives by uttering talaq 3 times in quick succession. The Supreme Court restored the landmark Delhi High Court judgment in 2018 that decriminalizes homosexuality. On March 27, 2019, India successfully conducted Mission Shakti, an anti-satellite missile test that could destroy satellite in space through missiles on the ground. Chandrayaan 2. In India's quest to land its first spacecraft on the moon, Chandrayaan 2, riding the powerful GSLV MK
3 rocket was successfully launched on July 22nd from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. August 2019 mein, the parliament passed a bill dividing Jammu and Kashmir into two union territories, J&K and Ladakh, and also adopted a resolution scrapping special status of the state under Article 370. The Holi Kartarpur corridor has been opened from both the Indian and Pakistani sides now. Faithful, particularly Sikhs, will be able to visit Kartarpur Sahib without any hassle. In the case of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma 2020, Supreme Court ne ye faisla sunaya ki ab betiyon ka bhi apne pita ke property pe utna hi haq hoga jitna beton ka hai, even if the father died before the Hindu Succession Amendment Act of 2005. और 2020 में कोरोना वायरस पैंडमिक ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे हम सब ने बहुत करीबी से देखा है, बहुत करीबी से महसूस किया है। इतने मासूम लोग मरे कि जिसकी गिनती भी नहीं है, और न जाने कब तक इसके प्रकोप को हमें झेलना पड़ेगा। मंदिर वहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट्स हिस्टोरिक वर्डिक्ट ऑन अयोध्या लास्ट ईयर, जहां पीएम मोदी ने खुद राम मंदिर का भूमि पूजन किया। COVID-19 और उससे जुड़े लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया है। इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार अभी भी नए नए नीतियों का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों, अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। टोक्यो ओलंपिक्स के हीरोज़ को ढेर सारे शुभकामनाएँ देना चाहेंगे। इंडिया में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड लाने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ साथ समस्त भारत को आप पे गर्व है। और अंत में टीम साध्य भारत के सैनिकों को, सरहद पर तैनात वीर योद्धाओं को अपना नमन और सलाम करती है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।